अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जो है, मैं थोड़ी देर लेट गई थी और मेरे सर में थोड़ी सी दर्द थी और इधर हशर नशर कर दिया बच्चों ने यहाँ पे। कल जो है ना, सारी मैंने डस्टिंग जो है रूम की कर दी थी और लाउंज की, तो ड्राइंग रह गया था और डाइनिंग, मैंने कहा वो मैं आज कर लूँगी। तो वो स्प्रे मैं इधर भूल गई थी, बस बच्चों के आज स्प्रे लग गया है और उन्होंने जो है ना फिर सही तमाशे लगाए। अभी असल में स्प्रे वो कह रहे हैं मैंने बॉटल डाइनिंग में छुपाई है। और बच्चों को हमने जी भेजा है मासी के घर के, थोड़ी देर जो है ना हमें भी सुकून का एहसास आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। स्कूल से रूमी आया है, उसके बाद खेले खेलने हैं और मिट्टी ये देखें बड़ी ज़्यादा हुई पड़ी है, तो इसको अभी जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। तो हमें बैठे बैठे मुझे आज ख्याल आया कि इराफू फिदू की शादी की जो है ना, मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हुए थे इराफू के होम टूर, मतलब वो मैंने आपको देना था। मैंने वीडियोस तब बनाई थी और वो ऐसे ही पड़ी हुई है। और फिर उसके बाद रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो गया, बस टाइम ही नहीं बच्चों में मिला ना, तो मैंने सोचा आज वो भी आपके साथ थोड़े थोड़े क्लिप्स जो है ना वो शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है ना वो आप तक बर वक्त पहुँचे। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्लिप्स कुछ, वो आप देखें और उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको राफू का घर कैसा लगा। फिदू का मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है पहले, तो राफू का जो है ना रह गया था बस आगे रमज़ान शरीफ की वजह से जो है ना, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं तो बंदा उसी में लग गया था, तो मैं शेयर ही नहीं कर पाई। तो आज मैं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये राफू के घर की मेन एंट्रेंस है, तो यहाँ से सीधा जो है ना आता है ड्राइंग रूम पहले, और उसके बाद जो है ना बाकी बेडरूम वगैरह सारा कुछ आता है, लाउंज आगे जाके आता है। तो इसलिए पहले मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। सबसे पहले ड्राइंग रूम दिखाती हूँ, ये अभी हमने सेट किया है। जाय नमाज भी फ़िलहाल यहाँ पे रख दी है कि वो राफिया जो है ना बाद में खुद ही सेट कर लेगी। और इस तरह करके जो है ना सोफ़े सेट किए हैं। ये बड़ी विंडो थी, तो यहाँ पे जो है ना थ्री सीटर रखा है, वहाँ सिंगल सिंगल रखे हैं और यहाँ टू सीटर रखा है। ये सेंटर टेबल आ गया, इस पर ग्लास वगैरह कुछ भी नहीं है, सारा ही जो है ना लकड़ी का ही है। उन्होंने राफेल ने कहा कि मुझे ग्लास पसंद ही नहीं है, तो उसने कोई ग्लास वगैरह नहीं लगवाया। तो फिदू ने भी सेम फिर ऐसे ही बनवाया। झूला यहाँ पर सेट हो जाएगा, वो भी रहता है। अभी इसकी टाइल्स जो है लगने वाली थी, तो इसलिए फिर कारपेट्स जो है ना वो न्यू डलवा दिए हैं। कर्टन्स वगैरह बहुत ही प्यारे से लग गए हैं। और इधर ये डाइनिंग है, लाइट ऑन करके आपको डाइनिंग दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हो गया डाइनिंग। इसके ये कर्टन्स हैं, बिल्कुल चेयर्स के साथ मैच किए हुए हैं। ये डाइनिंग है, ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही प्यारा सा डाइनिंग है। इस पर भी कोई ग्लास वगैरह नहीं लगाया हुआ, वही जो है टेबल सारा प्योर लकड़ी का ही बना हुआ है इसका फ्रेम। और ये उसकी अलमारी है बर्तनों वाली, बर्तन भी सारे माशाल्लाह से सेट हो गए। बहुत ही बड़ी अलमारी है और बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे बर्तन। अल्लाह ताला नेक नसीब करी, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो सारी रख दी हैं। ये शीशा इनसे मेरे ख्याल से टूट भी गया है थोड़ा। ये सूप सेट है, ये डिनर सेट पड़े हुए हैं। अपने घरों में अल्लाह ताला इनको खुश और आबाद रखे। एक ये डिनर सेट है, ये नीचे प्लास्टिक का सेट है। और एक ये डिनर सेट है, ये भी बहुत ही प्यारा सा है। तो ये नीचे नॉन स्टिक का पड़ा हुआ है, केक सेट भी पड़ा हुआ है। और एक यहाँ पे वाटर सेट है और टी सेट है। यहाँ पे स्वीट सेट है, हॉट पॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये कैवा सेट पड़ा हुआ है। तो चार डिनर सेट है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है,
एक ये पड़ा हुआ है और चौथा प्लास्टिक का है। तीन जो है ना वो चीनी के जो है बोन चाइना में होते हैं। तो ये डाइनिंग हो गया सारा और ये ड्राइंग हो गया। अब मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ जाके, उसका भी थोड़ा बहुत काम रहता है, वॉशरूम का हो रहा है, टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, सेट लग रहा है, तो वो जो है ना थोड़ा सा रह गया, बाकी सब हो गया। कुशन वगैरह भी मैंने रख दिए, कवर्स अभी नहीं उतारे क्योंकि गाँव है तो ऐसे ही ना, मैंने कहा हाथ वगैरह ना लगे तो फिर बाद में नाफिया खुद इनको जो है ना कर लेगी, अनकवर कर लेगी, और इसको कवर्स जो है ना वो दूसरे लेके दूंगी या जो है ना ऑनलाइन मंगवा लेगी या वैसे ले लेगी, क्योंकि कवर्स करना गांव में बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए फिर जो अपने हिसाब से फिर सारा कर लेगी। अभी सेटिंग हमने अपने हिसाब से की है, वो जैसे उसकी मर्ज़ी करेगी वो सारी कर लेगी। अभी इसकी लाइट्स करते हैं ऑफ, मम्मी पता नहीं कहाँ से होगी, शुक्र है। और जाके जो है ना मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ, और जल्दी से फिर जो है ना मैं बस ये सेट करने आई थी। रुबाब अभी बास्केट्स वगैरह बना रही है तो फिर हम घर चलते हैं, घर भी बहुत काम है तो अभी जो है ना फिर घर चलते हैं। ये लाउंज है, अब उसकी सफाई वगैरह भी हो रही क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर पड़ा रहा है, तो अभी जो है ना अब इसकी सफाई की बारी आ गई। बेडरूम इसका भी, ये गीजर लगने वाला है वॉशरूम का, और एलईडी भी लग गई है यहाँ से, ये वॉल वॉशरूम वाली थी तो ये थोड़ी जो है ना खराब भी हो चुकी है, एसी भी लग गया है, और ये माशाल्लाह से फर्नीचर है बहुत ही प्यारा सा, डिसेंट सा कलर किया राफू ने। ये ड्रेसिंग हो गया, ड्रेसिंग इनके सेम है, फिदू राफू दोनों के सेम है, बहुत ही प्यारे इनके कंसोल हैं। साइड टेबल्स भी बहुत प्यारी जो है ना न्यू डिज़ाइन की हैं, ऐसे पहले जो है ना हमारी फैमिली में किसी की भी नहीं है, तो ये चेंज है डिज़ाइन बहुत ही प्यारा। ये साथ पफी है, सारे रूम चेयर्स हैं, और बाकी रग वगैरह अभी नहीं डाला, वो बाद में खुद ही सेट कर लेगी। कर्टन्स भी इसके लग चुके हैं, सीलिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है, डिसेंट सी हुई हुई है। ये इसका साथ छोटू सा ड्रेसिंग है, इसमें ये इन्होंने अलमारी वगैरह बनवाई है, यहाँ पे भी मामू ने सीलिंग करवा दी थी। तो ये देखिए इसमें काफ़ी जगह जो है ना है, शुक्र है हैंगिंग की। बाथरूम की हालत अभी दिखाने वाले नहीं है, उसका बहुत काम पड़ा। ये देखिए अभी जो है इसकी, ये सारा सेट लगने वाला है, बस ये हो जाए। अब हम चलते हैं घर क्योंकि हमारा काम आज जो है ना हो गया है पूरा। और उसका टेबल का जो है ना शीशा उन्होंने नहीं दिया, तो वो जो है ना उनको कह दिया कि वो भेज दें। बाकी हम लोग अब फ्री हो चुके हैं, तो रुबाब से कहती हूँ कि हम घर चलते हैं क्योंकि घर भी काफ़ी काम है, तो जाके जो है ना अपने काम करते हैं सारे। अच्छा जी, फाइनली मैंने रूम की सारी सफाई भी करवा दी, और आंटी की बेडशीट लेके वो भी मैंने बेड पे फिलहाल डाल दिए क्योंकि ब्राइडल सेट जो है ना वो बरात वाले दिन ये लोग डाल लेंगे सारा, तो अभी लैंप्स वगैरह लेके आती हूँ, उनको भी सेट करती हूँ। और रूम शुक्र है नीट एंड क्लीन सारा हो चुका है, और रूम चेयर्स भी रख दिए, ट्रॉली भी रख दी है, वॉशरूम का काम भी ऑलमोस्ट सारा हो चुका है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। सारे काम टाइम पे कंप्लीट मामू ने कर दिए, और मामू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसरार की शादी को लेके, और राफू के लिए बहुत ज़्यादा खुश है मामू, तो अल्लाह ताला इनको खुशियाँ नसीब करें। ये जी इनका है स्टोर रूम, और स्टोर रूम गाँव में आपको पता है कि इस तरीके से जो है ना वो सेट किया जाता है, ऊपर ये स्लैब पर सारे स्टील के बर्तन रखे जाते हैं, और जो गाँव के लोग होते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद करते हैं इस तरह सारी जो है ना सेटिंग करके। तो ये राफू का स्टोर रूम है सारा। ये जी गांव का घर है, मेरे मामू का घर, और बहुत ही खुला है माशाल्लाह से। और अभी सारी सफाइयाँ वगैरह जो है ना हो रही हैं, आज सेन वो वॉश कर रही हैं सारा, तो जो है ना ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है और धूप बहुत अच्छी लग रही है,
तो माशाल्लाह से बाहर से भी पेंट बहुत अच्छा हुआ हुआ है और पूरा घर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये घर अब भी जो है ना कंप्लीट हुआ है और इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और मामू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर सारे काम कर रहे हैं क्योंकि मामू बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं घर और घर जाके जो है ना अपने बाकी के काम देखती हूँ। मेरे तो बच्चे रूमी मेरे साथ आए हुए हैं, मूसा घर पर है, तो इसलिए जो है ना अब जाके अपनी भी तैयारियाँ कुछ करते हैं। शाम को जो है ना मेहंदी का फंक्शन है तो इसलिए जो है ना अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं। और इसकी मेन एंट्रेंस भी बहुत ही प्यारी बनी हुई है, ये ऊपर जो है ना वुडन वर्क बहुत प्यारा हो गया है और इसका डोर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अंदर से अभी सफाइयाँ जो है ना मेरे ख्याल से रहती हैं, लाउंज की सफाई रहती है क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर पड़ा रहा है राफू का, अभी वो अंदर लेके गए हैं, वहाँ पे सेट हुआ है, तो इस वजह से जो है ना ये सफाई अब सारी जो है ना लाउंज की रहती है। बाकी रूम सारे हो गए हैं, मैं राफू का रूम भी करवा दिया और लॉक भी कर दिया है, तो अभी ये लाउंज की सफाई कर लेंगे और उसके बाद जो है ना फिर ये लोग भी अपने ज़ाहिर इन्होंने मेहंदी लेके आ जानी है, तो ये लोग अपने फंक्शंस में बिज़ी हो जाएंगे, हम लोग भी बिज़ी हैं, तो जाके हम भी अपने काम देखते हैं और ये लोग भी तब तक जो है ना फ्री होके फिर टाइम से अपना जो है ना फंक्शन हम लोग गुजार लेंगे। तो अभी बस चलते हैं घर। अभी जी हम लोग आ चुके हैं घर और घर में ये देखें सारी सेटिंग वगैरह हो गई है, सेटिंग सारी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है और अभी जो है ना ये लोग स्टेज बना रहे हैं और हमेशा की तरह इशफाक ने बहुत अच्छा सारा अरेंजमेंट करवाया है और बहुत प्यारा लग रहा है। ये स्टेज में आपको फाइनल जो अब बन जाएगा उसके बाद दिखाऊँगी और अभी अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं कि मेरे बच्चे कौन से कारनामे कर रहे हैं और अपने जो है ना कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लेती हूँ टाइम नहीं क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया और फिर जो है ना लेट ना हो जाए। ये है जी मेरा आज का ड्रेस और ये शुक्र है मैं आई हूँ तो मेरा ड्रेस जो है ना वो प्रेस हुआ पड़ा था और अभी जो है ना मैं बस चेंज करती हूँ जल्दी से और जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि हम लोग आज मेज़बान हैं और हम भी लेट हो गए ना तो फिर उनका वेलकम कौन करेगा अभी क्यों। ये है जी हमारे स्टेज की फ़ाइनल लुक और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है और सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं और अभी जो है ना हमारी मेहंदी भी आ चुकी है राफू की, तो आपको ढोल की आवाज़ भी आ रही होगी, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि स्टेज कैसा बनना है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से और अभी यहाँ पर जो है ना रिसेप्शन पर भी सारे लोग खड़े हुए हैं उनका वेलकम करने के लिए, फूल लेके सारे जो है ना खड़ी हुई हैं लड़कियाँ, तो अभी बस जो है ना वो आते हैं फिर हल्ला गुल्ला करते हैं। ये देखें जी मेरा जो है ना ड्राइंग रूम सारा साफ़ हो चुका है, सफाई सारी हो गई है, तो आप लोग जो है वो इतने तक देख के आए हैं राफू का होम टूर और मैंने भी सारी साफ़ सफाई कर ली है, तो दोनों के काम हो गए, आपका भी हो गया मेरा भी हो गया, तो जो है ना हिस्सा मैंने उतने तक जो है ना अपना ड्राइंग रूम साफ़ कर लिया, तब तक आपने जो है ना राफू का घर देख लिया। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको राफू का घर कैसा लगा है, अल्लाह ताला जो है ना उसको अपने घर में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो दुआओं में याद रखिएगा। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।